मैन एंड वुमेन हेल्थ फिटनेस एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। आज का हमारा टॉपिक है वेट गेन के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे तेजी के साथ अपना वेट गेन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरली। तो गाइस, हम आपको इस वीडियो में वेट गेन करने के लिए वेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिंस के बारे में बताएंगे। गाइस, आपने आयुर्वेदिक के बारे में तो जरूर सुना होगा। आयुर्वेदिक की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी। आयुर्वेदिक की सहायता से हम बड़ी से बड़ी बीमारी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जिन लोगों का शरीर दुबला पतला है, कमज़ोर है, जिन्हें खाया पिया नहीं लगता है और ऊपर से जिनका पेट भी खराब रहता है। ऐसे लोगों को वजन बढ़ाने और बॉडी का साइज बढ़ाने में बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इन मेडिसिंस का उपयोग कर अपना साइज गेन कर सकते हो, वो भी नेचुरली विदाउट फैट के। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इन मेडिसिंस का उपयोग कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कर सकता है, दोनों ही इस मेडिसिंस का उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस, बात करते हैं मेडिसिंस नंबर वन की, जिसे बोलते हैं यष्टी मधु। गाइस, यदि आपको भूख नहीं लगती है, आपको खाया पिया पचता नहीं है, या फिर आपको खाया पिया आपके शरीर में नहीं लगता है, तो गाइस ये सारी भी दिक्कतें होती हैं, ये आपके डाइजेशन खराब की वजह से होती हैं। तो गाइस, यष्टी मधु का काम होता है, ये आपके डाइजेशन को बेहतरीन बनाती है, जिसके कारण आपको भूख भी अच्छी लगने लगती है, आपको खाया पिया भी पचने लगता है और आपने जो खाया है वह आपके शरीर को भी लगने लगता है। इसके अलावा गाइस, ये जो यष्टी मधु है, ये आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को भी बढ़ाती है, ये आपकी मसल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं नंबर टू शतावरी की। गाइस, शतावरी के अंदर हमको हाई अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मली हमको हाई प्रोटीन्स के अंदर, जैसे कि एग्स, चिकन या फिर मीट के अंदर मिलते हैं। गाइस, शतावरी उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, जो कि मांस, अंडा या मीट का सेवन नहीं कर सकते हैं। गाइस, इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एक्चुअल में वे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल माने जाते हैं। गाइस, यही रीजन होता है कि आपको कहा जाता है, यदि आप एक अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ता है। लेकिन गाइस, आयुर्वेदिक में भी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि मांस से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो यही उनमें से एक जड़ी बूटी ये भी है गाइस, जो कि है जिसका नाम शतावरी। जो अमीनो एसिड्स आपको अंडा, मांस या मीट से मिलेंगे, वही अमीनो एसिड्स आपको यहाँ पर वेजिटेरियन होकर एक टैबलेट से या फिर एक पाउडर से शतावरी के थ्रू मिल सकते हैं। इसके अलावा गाइस, इसमें विटामिन्स भी होती हैं, जो कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई भी देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा इसमें गाइस आपको पोटेशियम भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी बॉडी बनाने और बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग दे हैं। गाइस, अब बात करते हैं थर्ड मेडिसिन की, जिसका नाम है अश्वगंधा। गाइस, अश्वगंधा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। आजकल अश्वगंधा का जो उपयोग है, वो बॉडी के साइज को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। एक्चुअल में यदि मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट, तो ये अश्वगंधा जो है, ये किसी भी कंपनी के मसल मास या वेट गेनर से 100 गुना बेहतर है। क्योंकि गाइस, अश्वगंधा से जो आपकी बॉडी का साइज गेन होगा, वो है आपकी बॉडी का जो साइज गेन हुआ है वो डाउन नहीं जाएगा। वहीं यदि आप किसी मसल मास गेनर या फिर किसी वेट गेनर का उपयोग करते हैं, तो गाइस तब तक आप उसको यूज करेंगे, तब तक ही आपकी जो बॉडी का साइज है वह इंक्रीज होगा। देन उसके बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं, तो आपको उसका जो साइज मिला है आपकी बॉडी को, वह धीरे धीरे डाउन चला जाता है। जैसे मानिए आपने गुब्बारे में हवा भर दी है, देन उसके बाद पिचका देते हैं, तो गुब्बारा फूट के एकदम छोटा सा हो जाता ना, ऐसा ही रोल होता है। लेकिन यहाँ पर गाइस, अश्वगंधा ऐसा नहीं करता है। अश्वगंधा आपको एक बार आपकी बॉडी का साइज दे दिया, तो गाइस दे दिया, वो डाउन नहीं जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं आपको ये लेने कैसे हैं। तो गाइस, रात को सोने से पहले आपको एक गिलास वार्म दूध लेना है, जिसमें कि आपको 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 5 ग्राम शतावरी चूर्ण को
मिलाना है। देन उसके बाद आपको एक टैबलेट यष्टी मधु की लेनी है। गाइस आप इस आयुर्वेदिक के कोर्स को मात्र 2 महीने तक कीजिए मेरे कहने के अनुसार। गाइस आप देखोगे आप दुबले पतले शरीर से इजाद पा चुके होगे और आप एक बेहतरीन एवं पर्सनैलिटी वाले बंदे या फिर बंदी बन चुके होंगे, वो भी नेचुरली और बिना किसी साइड इफेक्ट के, और वो भी बहुत ही कम दामों में। तो गाइस बात करते हैं कि आपको जो अश्वगंधा है वो लेना है डाबर कंपनी का, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और जो यष्टि मधु और शतावरी हैं वो आपको लेनी है हिमालय वालों की। गाइस आपको यष्टि मधु सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में लेना है, जिसमें कि आपको 60 टैबलेट मिलती हैं जो कि आपकी 2 महीने के लिए ईजीली चल जाएंगी, और आपको अश्वगंधा और शतावरी पाउडर की फॉर्म में लेना है, जिसको आपको 5-5 ग्राम दोनों चीज़ों को वाव मिल्क में डाल के रात को पीना है, और ऊपर से एक टैबलेट यष्टि मधु की लेनी है। गाइस इन आयुर्वेदिक मेडिसिंस का उपयोग कोई भी लड़का या लड़की 15 साल से ऊपर की उम्र का आसानी से कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाइस अब बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी बहुत ही अच्छी जानकारियाँ।